जो संशोधन दोनों सदनों में पारित हुआ, जो नोटिफाई हो गया, उसके संबंध में भी कुछ न कुछ कोशिशें हो रही है। सीएए लाने कुछ लोग कह रहे हैं सीएए लाने की इतनी जल्दी क्या थी। कुछ माननीय सदस्यों ने ये कहा कि ये सरकार भेदभाव कर रही है, ये सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है। कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं। बहुत कुछ कहा गया और यहां से बाहर बहुत कुछ बोला जाता है। काल्पनिक भय पैदा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई है और वो लोग बोल रहे हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े रहकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर के जो लोग फोटो खिंचवाते हैं, दशकों से पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है, पाकिस्तान यही बातें कर रहा है। भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। भारत के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने हर खेल खेले हैं, हर रंग दिखाए हैं और अब उनकी बात चलती नहीं है। पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है। तब जब मैं हैरान हूं कि जिनको हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता था। हमें याद दिलाया जा रहा है कि क्विट इंडिया का नारा देने वाले, जय हिंद का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे, हमारे लिए हमारी नजर में वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। खान अब्दुल गफार खां हो, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि लड़कपन में मेरा सौभाग्य रहा है कि लड़कपन में खान अब्दुल गफार खान जी के चरण छूने का मुझे अवसर मिला था। मैं इसे अपना गर्व मानता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, खान अब्दुल गफार खान हो, अशफाकुल्ला खान हो, बेगम हजरत महल हो, वीर शहीद अब्दुल हमीद हो, या पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम हो, सबके सब हमारी नजर से भारतीय हैं। सदन का समय ज्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले, आप जोड़ देना ना, जो भी नाम लिखवा दे मेरे भाषण में लिख देना। थैंक यू फॉर दिस असिस्टेंस। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने जिस दिन भारत को भारत की नजर से देखना शुरू किया, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। खैर, मैं कांग्रेस के और उनके इकोसिस्टम का भी बहुत आभारी हूं, उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हो हल्ला मचाए रखा हुआ है। अगर ये विरोध नहीं करते, ये इतना हो हल्ला नहीं करते, तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता। ये इनका
देश ने देख लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है।